आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़ो तो उसमें शंकर जी के श्रृंगार का वर्णन आता है, मुकुट काय का, जटाओं का। अब भृंगी बोले मुकुट तो होगा पर मोर कहाँ है, मोर। नंदी बोले ये मोर कैसा होता है, बोले लंबा लंबा लटका रहता है, आगे लटका रहता है। अब मोर कहाँ मिले, वो हाँ कौन जनरल स्टोर की दुकान है कैलाश पर्वत। नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भागा भागा गया, पतले पतले पीरे पीरे लाल लाल सांपों को पकड़ा, छोटे छोटे सांपों को पकड़ा, उनका मुंह बांध दिया और मुंह को रख दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने, बोले आहा क्या मोर हो गया। अब कहा कि मोर तो हो गया, बोले अब, बोले लड़का को फेसियल नहीं भावा, अब पाउडर कैलाश पर्वत में कहां रखूं। नंदी बोले पाउडर कैसा होता है, बोले सफेद। अरे बोले वो अभी व्यवस्था। नंदी भागे भागे गए, 5 किलो भस्म उठा ले आए, राख लगाई शंकर जी के। अब आदमी को पाउडर लगा तो मुंह में, शंकर जी को पूरे शरीर में। कहा भाई लड़का का फेसियल तो हो गया, पाउडर तो हो गया। भगवान शंकर जी से कहा कि चैने ले आओ, चैन सोने की चैन दूल्हा पहने, लोग कहेंगे अमीर आदमी। शंकर जी बोले चैन सोनो महंगो होगा, क्या करें। शंकर जी बोले अपनी चैन ले आओ। शंकर जी की चैन कौन, 2-5 तोला की नहीं, 4-5 किलो की। शंकर जी की ऐसी चैन है कि अगर मंच से नीचे और निकल जाए तो पूरी पब्लिक बेचे। शंकर जी बोले अपनी चैन ले आओ, और उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया था। बोले क्या, बोले ब्लैक गोल्ड। बोले अब इनको कुछ पहनाओ, शेरवानी पहनाओ, ऐसे ही बैठे बिल्कुल डर सा। शंकर जी खड़े भाए, जिस मृग छाला पे बैठे थे, कही एक काम करो, यही मृग छाला लपेट दो। अब मृग छाला ली कमर में लपेटी, अब मृग छाला में कौन बटन है कि रुक जा, जान लपेटी सो खिसक गई। कहा क्या किया जाए। नंदी बोले इसकी भी व्यवस्था है। नंदी भागे भागे गए, वो बेल्ट उठा ले आए 2.5 हाथ को, सांप, और सांप को कमर में कस के बोले सुनो दुनिया खिसक जाए तुम ना खिसकी, पूरी इज्जत तुम्हें पे आए। सांप बोलो हम शादी में डांस ना कर भी, अबे नहीं, अबे तो तुम बिल्कुल चपेरा। पार्वती जी का जब विवाह तय हुआ तो गांव में बात चल रही थी पार्वती जी के दूल्हा की, तो वहां बात कर रही थी माताएं आपस में, बोली पार्वती जी को तो बड़ा सुख है। बोले क्यों, बोले लाइट का कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। बोले क्यों, बोले जब जिनके माथे पे चंद्रमा हो उनकी लाइट कब जाएगी। बोले दूसरा सुख क्या है, बोले पानी कभी भरना नहीं। बोले क्यों, बोले मस्तक पर गंगा। बोले एक और सुख है बिटिया को, बोले क्या, बोले कभी कपड़ा भी प्रेस नहीं। बोले क्यों, बोले भी पहनता ही नहीं, जब पहना तो नहीं है सो प्रेस को करे। बोले चौथा भी सुख है, बोले रिश्तेदार कभी आना नहीं है। बोले क्यों, बोले रिश्तेदार जिंदा उनके है ही नहीं। बोले मरे कौन है, बोले भूत है। तो कहा बिटिया को 400 बहुत अच्छे, कुछ भी कहो दूल्हा तो बहुत अच्छा मिलो। बोले क्यों, अब बोले एक और सुख है पांचवा। बोले क्या, बोले सिक्योरिटी दमदार। बोले कैलाश पर्वत में रात की के बाप में दम है के चढ़ जाए। ऐसी शंकर जी की महिमा गाई जाती है।